अच्छे लगते हैं. अच्छा है दाढ़ी आप. बड़े भाई से बात करूं या मैं छोटे भाई से बात करूं? बड़े भाई से कर लेती हूं. हाँ बड़े भैया. हाँ विक्की कौशल सनी कौशल दोनों आए हैं. ओके बाय. आप लोग मेरे को 1000 रुपया देंगे क्या? बात का 1000 रुपया. बिल्ली जो मेरे बड़े भैया है ना वो जू एरिया है ना ईस्ट बेगर. हाँ जैसे नॉक किया होगा एक आया था ऐसा ऐसा करके आया था ना. आपका भी 1000 रुपया बाकी आपका भी 1000 रुपया. नहीं मेरा फ्लाइट है तो मुझे अपना लिपस्टिक चेंज करना था. कहाँ टिश्यू पेपर है क्या? टिश्यू पेपर चले तो न्यूज पेपर मंगवा. सर ये मत छुपाओ नेटफ्लिक्स है सर. हाँ एक्चुअली आपकी बहुत फैन हूँ. तो आपके चेहरे का टैटू भी बनवाया है बॉयफ्रेंड के मुंह पे. मेरे को ना उसका मुंह अच्छा नहीं लगा अर्चना जी. मेरे को चीज का बहुत दुख है. किस बात का? आप प्लीज अपने डैडी से पूछो ना वो मुझसे कब शादी करेगा. तो कब शादी करेगा? कहता है शाम को बताऊंगा. शाम शाम है पीटते सुबह तक कब हो? मैं भी जा तेरी बात लेती नहीं जा. आप लोग आइए ना प्लीज हमारी फ्लाइट में कभी. अरे कब तू मेरे को एक बात बता. अब 80-80 रुपए की टिकट में कहीं को उड़ाए भी क्या हम लोग? ट्रेन उड़ रहा है इतना टाइट बांध लिया सीट बेल्ट. करके रखो उड़ेगा तभी तुम. तो आपका लगेज थोड़ा सा हैवी हो गया था. कैन यू अलाउ टू टच योर लगेज? या बहुत ट्रैवल करते रहेंगे फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास. जलने वाली चीज है ये कहा? ये फोटो देख के लड़कियां जलती नहीं है क्या? जलती है ना. ये वाला ठीक है. मेरे को बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े दे दो. कपड़े सी नहीं है उसके पास में. है? ना उसको नहीं मिली. हाँ. वो 7 महीना घर से बाहर ही नहीं निकला. 6 महीना जो आदमी घर में नंगा घूमेगा वो गुस्सा नहीं होगा क्या? ऑल द बेस्ट आपको. थैंक यू. आपके फ्यूचर फिल्मों के लिए. मुझे बुलाया? नहीं चलिए कोई बात नहीं. और सब ठीक? विक्की जी मेरे को पता चला आप भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हैं. इंजीनियर चुंबक मित्तल ये विजिटिंग कार्ड. एंड पता कैसे होता है विजिटिंग कार्ड का? भेलपुरी वाले के पास. मेरा इनसे कोई हंसी मजाक वाला रिश्ता नहीं है. इतना मर्जी शोर में चलो मैं नहीं देने वाला तुमको. ये क्या कर रहे हैं चुंबक मित्तल साहब आप? नो भुजिए में थोड़ा सा ऑयल होता है. भुजिए में नहीं. इसमें कुछ गलत नहीं है. इसमें कोई तेल नहीं होता. कुछ जो तेल होता है वो निकाल देती है. आपको चढ़ गई है? अभी तो हम भी चढ़ेंगे. बंदरों को नहलाता है ये आदमी. क्योंकि ये चाहते हैं कि वो सामने जो मैडम है वो हंसे. बट इन लोगों का धंधा है ये पता है आपको? धंधा यही है ये चुटकुले सुनाएंगे मैडम हंसेंगी बंदर नहलाते हैं. एक बंदर 4 बीबियों के बराबर तंग करता है. आपके जैसा एक इंजीनियर 4 बंदरों को जितना तंग करता है. हंसेंगी देखना. एक सर्जिकल स्ट्राइक करवानी थी आपसे. सुनीता का नाम लूंगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी. मेरा 1 नाइट स्टैंड भी रह चुका है उसके साथ. मान लो ये मेरा घर है ये सुनीता का घर है. इन 5 घरों की वजह से मैं ना सुनीता को देख नहीं पाता. बम इसको सारा उड़ा रहा है. सुनीता को देख पाऊ. ये हमारा ये फाइनल सोल्जरों के लिए रखा हुआ. वो गिराना है इधर बम. इसको नहीं छोड़ना आपने तो. उसने बता दिया कि मैं 2 साल बड़ा हूँ. सुनीता से नहीं उसके पापा से. मैं मासी जी को नहीं छोड़ना. सर्जिकल स्ट्राइक ये सारे वाले पेमेंट मैं करूँगा. क्या गेट आउट.